सो गाइस, वीडियो को रैंक करने के लिए आपको सिर्फ टैग्स या फिर टाइटल का ज़रूरत नहीं होता, उसको अच्छे से डिस्क्रिप्शन में अपना डिटेल लिखना होता है। मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा कैसे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने वीडियो को रैंक कैसे कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप सर्च में वीडियो को कैसे ला सकते हो, यूट्यूब के सर्च में। जैसे यूट्यूब पे कोई वो टॉपिक लिखे तो आपका वीडियो सबसे वन पे कैसे, नंबर वन पे या नंबर टू या नंबर फाइव या टॉप टेन के अंदर कैसे आ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। देखो गाइज, इस वीडियो से आपको मतलब इस जो मैं ट्रिक बताऊँगा इससे आपको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, व्यूज़ भी मिलेंगे और आपका चैनल का वॉच टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि हम लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं, फिर कोई भी टाइटल, कोई भी थंबनेल, कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख के टैग्स डाल के, ढेर सारे टैग्स डाल के उसको फिल कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। देखो इससे क्या होता है, व्यूज़ तो आ जाते हैं क्योंकि टैग है ढेर सारा, कुछ ना कोई वीडियो सर्च में आ ही जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो जैसे मेरा ये वीडियो का टॉपिक है टॉप थ्री लोन ऐप बेस्ट लोन ऐप। ठीक है, ये देखो ये है कीवर्ड। देखो अगर कोई टॉप थ्री लोन ऐप लिखेगा तो इतना अगर लिखेगा तब भी ये वीडियो रिकमेंड आएगा। फिर यहाँ पे बेस्ट लोन ऐप फॉर स्टूडेंट इन हिंदी लिखेगा तब भी आएगा मेरा वीडियो। देन स्टूडेंट लोन ऐप्स। ठीक है, मैं एडिट पे जाता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे टाइटल है और ये मैंने 100 वर्ड का नहीं किया है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर 100 कर सकते हो तो आप कर देना है। जैसे लोन कैसे लें, मतलब आपका जो भी टॉपिक हो उसका ये टाइटल हो गया। टाइटल को आपको 190 से अबव रखना है और सब कुछ अच्छे से लिखना है। मतलब ये पार्टीशन कर लेना है यहाँ पे, जैसे कि ये अलग अलग पार्ट्स में है। तो एक कीवर्ड हो गया आपका ये, इस उसका इसी सेम चीज़ को इसको कॉपी करके आपको क्या करना है, अपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है डिस्क्रिप्शन में। अब देखो गाइज, मैं जो बोलने वाला हूँ उसको देखो। जैसे अब मेरा वीडियो है, यहाँ पे मैं YouTube ओपन करके बताऊँगा। जैसे मेरा ये वीडियो 4 मिनट का है, यही वीडियो है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने दिखाया है ये वीडियो 4 मिनट का है। ठीक है, इसका भी डिस्क्रिप्शन ओपन करते हैं। डिस्क्रिप्शन ओपन करने के लिए हम व्यू मोर पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अगर कोई यहाँ पे इंट्रो अबाउट वीडियो सर्च करेगा तो ठीक है, तो वहाँ पे इंट्रो अगर कोई सर्च करता है YouTube इंट्रो, तो मेरा ये वीडियो फिर भी रिकमेंडेशन में आएगा क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में इंट्रो कीवर्ड मैंने यूज़ किया है। फिर अगर बुलेट ऐप के बारे में कोई सर्च करेगा तो मेरा वीडियो फिर भी रिकमेंड में आएगा। और यहाँ पे अगर ऐसे क्लिक करेगा मतलब इस टाइम पे, तो टाइम स्लैप होके वो वीडियो वहाँ तक भाग जाएगी। ठीक है, मतलब आगे बढ़ जाएगी, तो उससे मतलब लोगों को हेल्प होता है, जिससे आप पे अच्छे खासे वॉच टाइम आते हैं। जैसे मान के चलो उनमें ये 3 ऐप मैंने बताया या फिर कोई टॉपिक बताया, जिस टॉपिक उन लोगों को पता होता है लोगों को, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो उस पार्ट को स्किप कर देते। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्किप नहीं करके वो ऑप्शन को ओपन करेंगे एंड यहाँ पे देखेंगे आपने पार्ट वाइज डिवाइड किया या। सो गाइस, सीधा सीधा मेरे कहने का है कि मतलब है कि अगर आप अपने वीडियो को अपलोड करते हो तो उसका टाइटल जो है उसको आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है। उसके बाद आपके वीडियो का जितने टाइम टाइम पे वीडियो का टॉपिक अलग अलग है तो उस टॉपिक में डिवाइड कर देना है एंड टैग में भी ये टॉपिक्स को डाल देना है। टैग में डालने के बाद बस आपको डिस्क्रिप्शन को हल्का रखना है। एंड अगर आप ढेर सारे टैग्स डालना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टैग ढेर सारा का डालना है आपको तो एडिट में जाना एंड जहाँ भी आपको टैग डालना है वहाँ पे यहाँ पे लिख देना टैग्स, या फिर टैग मत लिखना, लिख देना वीडियो क्वेरीज। ठीक है, इससे क्या होगा, यूट्यूब को लगेगा ये टैग्स का यूज़ अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब ऐसा कहता है, मतलब यूट्यूबर्स ऐसे कहते हैं कि अपने वीडियो में टैग्स यूज़ नहीं करना चाहिए, जब लेकिन मैं करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा आप लोगों से। तो यहाँ पे क्वेरीज हमने लिख दिया, ठीक है, स्पेलिंग छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका जो भी आपका है समझ लो ढेर सारा टैग है, वो टैग आपको डाल देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद क्या होगा, यूट्यूब को ये आपको वीडियो क्वेरीज में ले जाएगा, या फिर ऐसे अगर ना करके आप सिंपल से क्या करो, यहाँ पे आप वीडियो क्वेरीज में डालना है तो यहाँ पे 1 करके आप फिर स्पेस करके फिर यहाँ पे इसको इरेज करके यहाँ पे 2 लिख के ऐसे इस टाइप से आप लिखोगे ना तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन अच्छा लगेगा एंड लोगों को, मतलब मैं ये सब नहीं करता लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मोनिटाइज करना है। चैनल मेरा तो पहले से मोनिटाइज, इसलिए मुझे बस व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ से पैसे मिलते हैं, बाकी सब्सक्राइबर से कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करो या ना करो, आप बस वीडियो को पूरा देखा करो। तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होगे। एक बार फिर से बोल देता हूँ, देखो आपको टाइटल जो लिखना है उसको पार्ट वाइज में डिवाइड कर लेना, फिर उसी टाइटल को आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको करना, जो वीडियो में आपने बताया उस सबको पार्ट वाइज डिवाइड कर देना है। अगर आपको ढेर सारे टैग्स डालने हैं तो आप इस तरीके से नंबरिंग करके टैग्स डाल सकते हो, तो इससे आपका वीडियो रैंक करेगा, जिससे आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, वॉच टाइम मिलेगा एंड
आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।